जब देश आज़ाद हुआ था तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, है कि नहीं, सबको सरकारी जॉब मिलता था, है कि नहीं। सरकारी जॉब में पूरा सिक्योरिटी होता था, सरकारी जॉब ऐसा चीज़ कभी किसी को निकाला नहीं जाता है मिलिट्री को छोड़कर, है कि नहीं। सस्पेंड किया जाता है लेकिन निकाला नहीं जाता, अन्यथा कि बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया तो निकाला जाएगा। तो लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया, भाई जॉब तो मिल गया, अब तो गारंटी हो गई, चाहे कुछ भी करूं सरकार निकालेगी नहीं। तो जितने सरकारी ऑफिसर से थे उन्होंने ऑफिस में जाना था 10 बजे, निकलना था 6 बजे, 2 घंटे लेट जाते थे और दो जाते थे और घड़ी देखते रहते कब ख़त्म होगा और 2 घंटे पहले निकल जाते थे ऑफिस से, लेकिन अब बोलते थे फ्रीडम है, मैं फ्री हूँ, आज बंक मारूंगा ऑफिस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सरकार सस्पेंड कर देगी, है ना। तो फिर क्या होगा, है? जितने सरकारी जो सेक्टर्स थे, पब्लिक सेक्टर, सब लॉस में जाने लगे, क्योंकि लोग जब कार्य नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले भाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, है कि नहीं। जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो फिर क्या होगा, सरकार जो अल्टरनेटिव ढूंढेगी, है कि नहीं, अल्टरनेटिव ढूंढेगी ना। तो तब प्राइवेट सेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, प्राइवेट कंपनियां आई हर फील्ड में, और वो क्या करती हैं, अब टाइट करके रखती हैं, शोषण कर रही हैं। पहले इतना सिक्योरिटी था लेकिन अब क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो जब आपको कोई केयर कर रहा है, सरकार हमारे यहाँ केयर कर रही है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। अगर हम उस जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो जो भी आपको फैसिलिटी दिया गया वो छीन लिया जाएगा, वो नेचुरल प्रोसेस से छीन लिया जाएगा, नेचुरल प्रोसेस है। ये समस्या जापान में नहीं है, जापान में आप जाइए बिल्कुल 8 बजे, मतलब 8 बजे ऑफिस में पहुंचना है, 1 मिनट लेट भी नहीं होना चाहिए, 1 मिनट लेट नहीं, डिसिप्लिन है वहां पे, कल्चर है वो। नहीं तो भगवान ने हमें 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, 1 सिर दिया, इसका इस्तेमाल करेंगे खाने पीने की दिक्कत होगी नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये 2 हाथ 2 पैर दिए ना, इतना तो है इसमें क्षमता भगवान ने दिया है कि हम कुछ भी करके खा सकते हैं, कि नहीं। ये अगर आप 3 क्वालिटी डेवलप कर लो तो आपको कभी जीवन यापन की समस्या नहीं होगी, यहाँ तक कि आप पढ़ाई नहीं किए हैं फिर भी आपको कभी जीवन यापन की समस्या नहीं। 3 क्वालिटी, आप काला अक्षर भैंस बराबर हैं, फिर भी आपको खाने पीने की बेसिक नीड्स की दिक्कत नहीं होगी। क्या है वो, पहला रिस्पॉन्सिबल, जो टास्क दिया उसको जिम्मेदारी से उसको पूरा करना, दूसरा ऑनेस्टी, और तीसरा हार्ड वर्किंग। इतने घंटे तक अगर काम करना है तो पूरा दिल लगा कर करना है। इन 3 क्वालिटी के साथ पढ़ाई कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा।